Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. कब कब मुझे इस नरक से मुक्ति मिलेगी प्रेम? 10 साल हो गए, कम वक्त नहीं है, एक ही जिंदगी। सब कुछ तो है हमारे पास। सब कुछ है? अपने भाई को देखो, कहां से कहां पहुंच गया है वो। घर, गाड़ी, पैसे, नौकर चाकर, और तुम एक चीप लोकैलिटी में भाड़े के घर में रह रहे हो। कीड़े मकोड़े, गंदगी का खजाना है यहां। चीनी कहाँ रखी है? मेरा भाई गलत धंधे में है। लेकिन पैसे तो पैसे ही होते हैं। तुम्हारे इन भावनाओं का, आदर्शों का कोई दाम नहीं है। फिर से तुम दोनों शुरू हो गए? ए तू चुप कर। और अगर तुझे थोड़ी फुर्सत मिल जाए तो थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। तेरे इस आदर्शवान पिता के भरोसे में मत रहना, कुछ नहीं मिलने वाला, चल जाए यहां से। विभा, रहने दो, हटो। क्या किस्मत पाई है मैंने, सारा दिन बस खाना बनाते रहो, नौकरानी बनके रह गई हूं मैं। अगर शादी के पहले ही तुम्हारा ये रवैया रहा तो शादी के बाद। देखो, मुझे जो ठीक लग रहा है मैं वही तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सही गलत, सही गलत, आई एम नॉट अ किड। मैं चलती हूँ। प्रिया, प्रिया, व्हाट इज दिस यार? तुम्हारा ये एटीट्यूड बिल्कुल सही नहीं है प्रिया। तुम हर बार मुझे डोमिनेट करने की कोशिश करती हो। अरे मेरी बात तो सुनो प्रिया। प्रिया, प्रिया, गुड आफ्टरनून सर, आपने मुझे बुलाया। ओ प्रेम, कम इन, कम इन। तुमने हमारा नए प्रोजेक्ट के फाइल को जरूर स्टडी किया होगा। सर, मुझे इस प्रोजेक्ट का चार्ज नहीं चाहिए। व्हाट, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तुम इस प्रोजेक्ट पे काम क्यों नहीं करना चाहते? गरीब को झूठे सपने दिखाकर उनके पैसे छीन लेना कोई बिजनेस नहीं होता सर, इट्स फ्रॉड। इट्स मार्केटिंग प्रेम, इट्स मार्केटिंग। इस बिजनेस प्लान को हम फर्स्ट टाइम लॉन्च करने वाले हैं, करोड़ों का फायदा है इसमें, और उसमें 10% का शेयर तुम्हारा भी है। तुम एक काबिल एग्जीक्यूटिव हो, कंपनी के सीनियर मैनेजर को छोड़ गए। सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तुम्हें इस प्रोजेक्ट के चार्ज में रखा है। यह तुम्हारे कैरियर का एक टर्निंग पॉइंट है। तुम लाखों करोड़ों रुपए कमाते रहोगे। यह सब एथिक्स के बारे में छोड़कर अपने काम पे ध्यान दो।
आई एम सॉरी सर। तुम्हारे इस जिद के वजह से एक दिन अपने नौकरी से हाथ धो सकते हो। ये मेरा रेजिग्नेशन है। ए भागो भागो यहाँ से, क्यों परेशान कर रहे हो उनको? चलो भागो जाओ। जरा जल्दी दीजिए। हेलो हेलो, मैं मेहरा इंडस्ट्री से बोल रही हूँ। मिस्टर प्रेम को थोड़ा फोन देंगे, मिस्टर मेहरा बात करना चाहते हैं। प्रेम वो तो इस समय ऑफिस में होंगे। ओ एक मिनट। किसी मेहरा साहब का फोन है। सर मिस्टर प्रेम लाइन पे हैं। ओके प्रेम, मैं प्रकाश मेहरा बोल रहा हूँ। बोलिए सर, कैसे हैं आप? सुना है शारदा ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, हीरे की परख नहीं है उसे। मैंने ही रिजाइन किया था सर। नए प्रोजेक्ट में कम शेयर दे रहे क्या? कंजूस। एनीवेज तुम मेरे साथ प्रोजेक्ट करो। 25% शेयर ऑफर करता हूँ तुम्हें, और शारदा इंडस्ट्रीज से बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हम तुम्हें देंगे। कल सुबह 10 बजे मेरे ऑफिस पहुंच जाना। मैं जानती हूँ जब तक मैं नहीं पूछूंगी तुम कुछ नहीं कहने वाले। तुमने नौकरी छोड़ दी? मैंने जो किया है वो सही किया है, और इसी में मेरी खुशी है। दूसरी कोई नौकरी मिल जाएगी। हमारे बारे में तुमने कभी सोचा? ये हमारी बेटी 2 साल से हमारे पीछे पड़ी है। अपने दोस्तों की तरह वो भी हमारे साथ घूमने जाना चाहती है। रिश्तेदारों के सामने हम लोग मुंह नहीं दिखा सकते। मेरी भी तो इच्छा है सोसाइटी में सर उठा के जीने की, मेरा स्टेटस भी ऊंचा रहे। कब जाके मेरा सपना पूरा होगा पता नहीं,
कब मेरी किस्मत खुलेगी? तो तुमने अब क्या करने की सोची है? अच्छा प्रेम, ये मिस्टर मेहरा कौन है? मेहरा इंडस्ट्री के मालिक मुझे नौकरी देना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए, जिस वजह से मैंने आपकी नौकरी छोड़ दी है। वाह, भगवान पैसे की बारिश करवा रहा है और ये साहब चुपचाप बैठे हैं। अरे ये दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। खुद को बदलना सीखो प्रेम, अपॉर्चुनिटी को हाथ से बाहर जाने मत दो, वरना सारी जिंदगी इसी तरह बैठना पड़ेगा, लड्डू मिलेगा तुम्हें। विभा, और हमें जिंदगी भर इसी नरक में रहना पड़ेगा। बाबा, आपने तो बहुत ही सुंदर मूर्ति बना दी। सुंदरता होती है कलाकार के आंखों में। तुम्हारा मन एक मंदिर, उसे संभाल के रखो, कोई मोह माया के जाल में फंस मत जाना। सारी मोह माया इस रेत से ही बनती है और रेत में ही मिल जाती है, बिल्कुल इसी चेहरे की तरह। सही है, पैसा भी अगर इस रेत से निकलता तो दिल को सुकून मिल जाता है, जिंदगी सफल हो जाती है। जीवन सफल हो जाएगा, उसके बाद क्या करोगे या? नहीं,
अरे सुन तो जरा, देख तो कौन आया है। शायद पापा होंगे। अरे कौन आया है? अरे सुन दत्त, ये क्या? बहुत सुंदर है ये हार। तुम्हारे लिए। मेरे लिए? लेकिन ये तो बहुत महंगा है। सिर्फ 2 लाख रुपये। 2 लाख? ओह माय गॉड। Oh Prem, I love you Prem, I love you. Mummy, Barbie doll की पूरी set, I can't believe it. Prem, I'm so happy, I'm so happy. लेकिन Prem, इतना सब कुछ क्या बात है? सब बताऊंगा, लेकिन पहले खाना खिलाओ। खुश होने के बाद तुम जैसे अच्छी लग रही हो, वैसे खाने की खुशबू भी अच्छी लग रही है। सब्जी जल गई होगी। मैं आती हूँ। लाश की जेब से अगर तुमने पैसे की बैग नहीं निकाली होती तो उसे कोई और ले लेता ना। तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया है प्रेम। लेकिन ये सारा पैसा तो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा और क्रेडिट कार्ड कल सुबह तक इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? तुम्हें कोई ना कोई नौकरी मिल ही जाएगी। डोंट वरी। नौकरी नहीं, मुझे अब पैसा कमाना है, बहुत बहुत पैसा। वेरी इंप्रेसिव प्रेम, तुमने ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। थैंक यू सर। तुम्हारी 50-50 की शर्त मुझे मंजूर है। एक मिनट। यस सर। मिस प्रिया को अंदर भेजो। प्रेम, तुम्हें तो पता ही होगा ये कंसेप्ट आज तक इंडिया में किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है और इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर की इसे अप्रूवल की जरूरत है। सब मिस्टर राव इज द साइनिंग अथॉरिटी। मैं उनसे एक अपॉइंटमेंट ऑलरेडी ले चुका हूं। ओ हेलो प्रिया, कम इन, हैव अ सीट। गुड मॉर्निंग सर। इनसे मिलो, ये मिस्टर प्रेम।
हाय, हमारे नए प्रोजेक्ट के इंचार्ज। नाइस टू मीट यू। हेलो प्रेम, इस प्रोजेक्ट में प्रिया तुम्हारा साथ देगी। एंड गाइस, गेट रेडी टू इम्प्रेस मिस्टर राव एंड गेट द अप्रूवल। वी शुड बी द फर्स्ट वन टू गेट दिस बिजनेस प्लान लॉन्च्ड इन इंडिया। वी विल डू इट सर। प्रिया तुम्हें तुम्हारा कैबिन दिखा देगी और सारे काम समझा देगी। और हां प्रेम, तुम्हारे नए फ्लैट की चाबी एंड योर न्यू कार कीज। Yes? Hello, Mr. Rao. My name is Prem. And she is Priya. तो बोलिए मिस्टर प्रेम, ये कैसा स्पेशल प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं मिस्टर महरा, जो डिस्कस करने के लिए 5-star होटल में इस रूम में मुझे रहने दिया गया। सर ये सच में एक स्पेशल प्रोजेक्ट है और जो कंपनी इसे पहले लॉन्च करेगी उसे करोड़ों रुपयों का फायदा होगा। और यह सब तभी हो पाएगा जब आप अप्रूव करेंगे। लेकिन हमको क्या मिलेगा? आपको भी तो लाखों का फायदा होगा। सारी डिटेल्स इस फाइल में हैं। आप आराम से पढ़िए और साइन कीजिए। मैं कल सुबह आपसे आकर मिलता हूं। बाकी तो प्रिया आपके साथ रहेगी ही, वो आपको सब कुछ समझा देगी। हाँ, इस बैग में 10 लाख रुपये हैं आपके लिए। यह प्रोजेक्ट पास करने का मतलब हेलो शारदा हियर। शारदा जी कैसे हो? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। जिस प्रोजेक्ट की अप्रूवल हम लेने वाले थे, सुना है वो अप्रूवल को किसी और ने हड़प लिया है। शारदा साहब, बिजनेस में तो ये सब चलता ही रहता है ना। अ स्मार्ट मूव फास्ट होना चाहिए, है ना? तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, यू बास्टर्ड। अरे 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 शारदा जी, आप हमारी जगह होते तो क्या करते? कट कर दिया। प्रेम, तुमने तो कमाल कर दिया, सब कुछ इतना जल्दी। अब तो सिर्फ बैंक फाइनेंस और उसके बाद वील बी एट द टॉप। सर, बैंक फाइनेंस भी पास हो चुका है। ग्रेट, then let's have the launch party. सर पार्टी कल ही है। और ये रहा इनविटेशन कार्ड। लेकिन ये तो कोई दूसरा कंपनी है। ये मेरी कंपनी है, ये प्रोजेक्ट मेरी कंपनी में पास हुआ है। यू चीट। आप मेरी जगह होते तो क्या करते? कल पार्टी में जरूर आइएगा। शहर के सभी बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। लेट्स गो प्रिया। या लेट्स गो। तुमने जो भी दिया मैंने वही लिया, तुमने हर घड़ी चुन लिया रास्ता। तुमने जो भी दिया
मैंने वही लिया, तुमने हर घड़ी चुन लिया रास्ता। एक ही लाइफ है ये, जो भी मिला मुझे अब खुद ही चुनूंगा मैं खुद का रास्ता। Welcome, Mr. Rao. Thank you. She is my wife, Vibha. Namaste, Ajay. Vibha, ये है Mrs. Alka Rao. Oh, namaste. इससे भी better काम में लगा दूँगी. Modeling करोगे? Yes, ma'am. तुमने तो दोस्त सबको पीछे छोड़ दिया. मेहरा को भी पीछे छोड़ दिया दोस्त. नहीं नहीं. Actually, मेहरा मुझे double cross करना चाहता था. इसीलिए मैंने ये चाल चली. I see. शारदा जी, मेहरा की कोई सीक्रेट चीज अभी भी मेरे पास है. बिजनेस की खास बात, आप अगर मेरा साथ दे, कुछ पुराने हिसाब चुकाने हैं, मैं तैयार हूं. एक ही लाइफ है ये, जो भी मिला मुझे मुझको रहने दो. मेरी मर्जी से क्या भला क्या बुरा, छोड़ो गॉड पे मुझे भी जीने दो. अपनी मर्जी से किसने क्या कहा, अब जो भी हो सो हो, मैं हूं बेफिकर. पैसे से जीना मुझे, पैसे में मरना, पैसा ही धर्म, पैसा ही खुदा. विभा, मेरी टाई नहीं मिल रही है, फ्लाइट मिस हो जाएगी, जल्दी करो. विभा, ये क्या आपकी टाई? कितने दिन के लिए जा रहे हो? एक हफ्ता लगेगा, 10 दिन भी लग सकते हैं. ओके, बाय, सी यू डार्लिंग.
है अलका। ये जिंदगी मुझको है मिली, जी लेने दे अपने ढंग से, क्या भला बुरा, छोड़ दो गॉड पे, मुझे बस जीने दो अपनी मर्जी से, you like Indian girls? I love them. Mike, she's Shalini. Shalini, he's my friend. Hi. Shalini, the Miss India. Almost. No rings, huh? Excuse me. Have a nice great, time. Great, yeah. Come on, baby. अब देखो ऐसा है कि rectification है in this point. हमारे ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट ने हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए हैं और सारा पेमेंट भी रोक दिया है सर. What? उनका कहना है हम ज्यादा चार्ज करते हैं और इस शहर की दूसरी एक कंपनी बहुत कम रेट में सर्विस प्रोवाइड कर रही है. कौन से कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है? शारदा इंडस्ट्रीज. आई सी. ये तो प्रेम का काम है. आई सी हिम. क्या हुआ बेटी, चिल्ला क्यों रही है? कुछ भी नहीं मैडम, बाल बस उलझ गए थे. ओफो, थोड़ा संभाल के कॉम्बिंग कर. सुन, मैं एक पार्टी में जा रही हूँ, आते आते रात हो जाएगी, तू इसे खाना खिला के सुला देना. हाँ मम्मी, पापा कब आएंगे? नहीं पता, तुम्हारे पापा बहुत बिजी रहते हैं, बहुत सारा काम है उन्हें. एनीवे मैं जा रही हूं, मुझे लेट हो रहा है, बाय. सीधे बैठ जाओ. दिस इज फन. मॉडलिंग के चक्कर में क्या बना दिया है इसको. मॉडलिंग से बहुत ही ज्यादा कमा रहा है ये. उसका करियर बना दिया है. He's really hot. पहले से काफी फ्री हो गया है ना? घर ले जाऊंगी इसे आज? नहीं बाबा, मुझे डर लगता है. प्रेम तो अभी बाहर है, लेकिन घर पे नौकर चाकर तो है. अरे सिंपल यार, टीवी मैकेनिक बन के जाएगा, तुम्हारे घर की टीवी ठीक कर देगा और तुम्हारा. प्रेम, मेहरा के जितने भी क्लाइंट तुमने शारदा इंडस्ट्रीज को लाके दिया, उसके सारी क्रेडिट तुमको जाती है
और उसके लिए तुम्हें 50% शेयर मिलेगा। शारदा जी, मैं तो बस ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज कर रहा हूं, लेकिन शारदा इंडस्ट्रीज का रेपुटेशन और प्रोडक्शन स्ट्रेंथ के कारण ही मैं क्लाइंट को यकीन दिला पाया। वो सब बातें भूल जाओ प्रेम। देखो, इतने सारे डीलिंग्स का हिसाब रखना, ऊपर से 50% शेयर का हिसाब, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मैं तुम्हें लमसम 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं, एंड लेट्स क्लोज द डील बिटवीन अस। लेकिन शारदा जी, मेजर ऑर्डर्स तो मिलने अभी बाकी है ना? आई एम सॉरी प्रेम, तुम्हारा ऑफिशियल लेटर तुम्हें 1-2 दिन में ही मिल जाएगा। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, आपके लिए कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन है। व्हाट? ऑर्डर कैंसल्ड, 20 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट डिसॉल्व्ड। लेकिन सारे प्रोडक्शन तो कंप्लीट हो गया, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। हाउ डिड दिस हैपन शालिनी? मुझे लगता है सब कुछ प्रीप्लान्ड था, क्योंकि इस स्टेज पर बहुत ही सोच समझकर इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके प्रेम इंडस्ट्रीज को दे दिया गया है। प्रेम इंडस्ट्रीज? यू आराम से। आप जो मेरे साथ करना चाहते थे वो मैंने आपके साथ कर दिया। आई एम प्लेइंग योर गेम आफ्टर ऑल। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा प्रेम। That will be really great. Yeah. हाँ, शाम तक मैं पहुंच जाऊंगा। कैसे हो? पापा? Definitely I'll reach there. Yeah. Bye bye. Hello बेटी, कैसी हो तुम? मम्मी कहाँ है? प्रेम, तुम अचानक आ गए, कुछ कहा नहीं। मैं तुम्हें एयरपोर्ट लेने आती ना। अचानक से प्रोग्राम बन गया, एक इम्पोर्टेंट फाइल कलेक्ट करनी थी इसलिए घर आ गया। यू नो, एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल चुका है। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा हुआ जो तुम आ गए। आज शाम को मिस्टर राव के सिल्वर एनिवर्सरी पार्टी में हमें जाना है। नहीं, आज शाम की फ्लाइट से मुझे दिल्ली जाना होगा। कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स मिनिस्टर से पास करवाने हैं। ओह। लेकिन तुम चले जाना। पापा, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। आज पूरे दिन मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। सॉरी माया, मेरे पास बहुत काम है। आई एम बिजी। हाँ, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। ये लो, इट्स योर्स। सरप्राइज। जा। नहीं पापा, मेरे पास ऑलरेडी बहुत गेम्स है, मुझे नहीं चाहिए। मैं पूरे दिन तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। चुप कर तू। पापा को डिस्टर्ब मत करना, स्कूल का टाइम हो गया है। मैट्रॉन, उसे ले जाओ। ओके मैडम। चलो। ओके बेटी, बाय बाय। रोज ठीक 10 बजे इस नंबर के गाड़ी से स्कूल जाती है। जस्ट एक एक्सीडेंट करवाना पड़ेगा। पैसा? इसमें पूरे 1 करोड़ रुपए हैं। आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा।
बच्ची को मारना मत, सिर्फ उठाना। बाबूजी बाजार में चली रे बिजुरिया। हर बार की तरह आज भी तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम बस बोलते हो, कुछ करते क्यों नहीं? साची कहो साजन जी, छूटे मेरा मनवा मनवा। चले 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 की बीवी है, पैसों की दुनिया में अपना रास्ता भूल गई है बेचारी। मतलब प्रेम इंडस्ट्रीज की प्रेम की वाइफ। ये नशा छा गया पूरे बदन में मेरा, मुझे समझ तू जरा, दे मुझे पूरा प्यार। चलो तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस करवा दूं। हाय हाय, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रही थी। हम भी तुम्हें ही ढूंढ रहे थे स्वीटहार्ट। एनीवे, मिलवा देती हूँ मिस्टर मेहरा। बहुत देर से तुम्हें टुकुर टुकुर देख रहे थे। नहीं बस यूं ही, नजर आपसे हटी नहीं रही। तुम लोग बातें करो, मैं अभी आती हूँ। धूम मचाओ खलबली, उतार दो जो चुनरी। हुई अम्मा प्यार चाहो खूब, पर क्यों मैं बनूं बिनरी। छुले 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 Let's go. रोक नहीं पा रहा, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हूं। इतनी सुंदर चीज छूने का मन तो होगा ही ना। बाबूजी बाजार में चली रे बिजुरिया। छू लिया ना, अब छोड़िए। चले चले चले।
बाय बाय बेबी। तुम्हारे ड्राइवर अंकल का तबीयत खराब है इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। लेकिन आप कौन है? तुम्हारे पापा ने मुझे भेजा। पापा? हाँ। पापा आज घर पे हैं? हाँ घर पे हैं। तो जल्दी चलो। जेंटलमैन, जायंट ऑस्ट्रेलियन कंपनी, माइक स्टील्स बिडिंग बिगिंस। बिडिंग स्टार्ट्स एट $50 million. $50 million. Anybody, gentlemen? $60 million. $60 million. $65 million. $65 million. $100 million. $100 million. One. $100 million. Two. One moment, gentlemen. Excuse me. What nonsense! एक फोन हैंडल नहीं कर सकते तुम? मेहरा को ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ा मुझसे? मैंने समझाने की बहुत कोशिश की थी सर, लेकिन उन्होंने कहा आपकी जो मीटिंग चल रही है अभी उससे भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है आपसे, इसीलिए मैंने सोचा। हाँ बोलो मेहरा, जल्दी जल्दी बोलो क्या बोलना है। रिलैक्स प्रेम, तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। शारदा को अच्छा सबक सिखाया तुमने, तुम तो हम सबके गुरु निकले भाई। काम की बात बोलो, मेरे पास समय नहीं है। अरे यही बोलने के लिए तो फोन किया था, थोड़ा बहुत वक्त अपने सुंदर बीवी को तो दो। क्या कहना चाहते हो तुम? देखो प्रेम, मेरा भी एक रेप्यूटेशन है, मैं तो प्रेस में जाके ये नहीं बोल सकता ना कि तुम्हारी बीवी मेरे बिस्तर में कंपनी। मैंने भी एक निशान छोड़ दिया है उसके बॉडी पे। You bastard! अरे अरे गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये तो मैं था इसलिए बच गए। अगर कोई गलत आदमी के हाथों लग जाती तो तुम्हारा रेपुटेशन तो खराब होता। This bid goes to Prem Industries Limited. Thank you. तुमने एक बात तो सुनी होगी, अगर बाप होता है तो उसका भी बाप तो होता ही है ना। मैं बाथरूम में हूँ, एक मिनट। तुम जाओ, जल्दी जाओ, छुप जाओ, कपड़े लो। और सुनो, तुम अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ टीवी के करीब चले जाओ। आज तो मैं कुछ लाया नहीं। ओह माय गॉड। विभा, जो करती हो करो जल्दी। विभा दरवाजा खोलो। खराब हो गया था ना, और मैं वॉशरूम में थी, फ्रेश होने गई थी। तुम कब आए? मैडम टीवी ठीक हो गया, मैं जा रहा हूं। You bitch. Shut up, प्रेम। मुझ पर उंगली उठाने से पहले खुद के बारे में सोचो। क्या देखूं मैं?
मैं दिन रात एक करके पैसा कमा रहा हूं और तुम लौंडों पे उड़ा रही हो। मेरी इज्जत की कोई फिक्र नहीं है? मेरे दुश्मन के साथ वो हरामखोर मेहरा? मुझे पता नहीं था कि वो उस रात मुझसे गलती हो गई थी। तो फिर ये बात भी जान लो कि तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ पता है। रोज रोज नई नई सेक्रेटरीज लेके आते हो तुम, तब तुम्हें अपनी बीवी की याद नहीं आती? जब से तुम्हें वो पेंडेंट मिला है तब से सिर्फ पैसा पैसा। $100 million. सॉरी माया, मेरे पास बहुत काम है। आई एम बिजी, आई एम प्लेइंग योर गेम आफ्टर ऑल। हैव अ नाइस टाइम। अब सो जाओ, कल मुंबई जाना है, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मेहरा का एक बहुत बड़ा सीक्रेट मेरे पास है, ये प्रोजेक्ट मुझे मिला है। यू चीट। माय नेम इज प्रेम एंड शी इज प्रिया। 10 लाख रुपए आपके लिए। तुम्हारा 50-50 का शर्त मुझे मंजूर है। बहुत महंगी है। सिर्फ 2 लाख रुपए। तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया है प्रेम। नौकरी नहीं, अब मुझे पैसा कमाना है, बहुत पैसा। लोग हमारी बेटी को उठा कर ले गए हैं प्रेम। मेरी बेटी को वापस लेके आओ प्रेम। मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। मारने को कहां गया था, लेकिन ये इतनी मासूम है कि उसे देख के ही मन भर गया। किसके कहने पर? 2 करोड़ लगेंगे इसे जिंदा छोड़ने के। कहां पर मिलना है? हाँ सुना, अकेले आने का है और पैसा बैग में, और 3 नंबर हाईवे पे पास में टेलीफोन बूथ है ना, वहां। ठीक है।
बेटी, मेरी बच्ची, मैं कुछ दवाई लिख के देता हूं। एक चीज का ख्याल रखे, इसे कोई मेंटल स्ट्रेस ना हो। और आप प्लीज बाहर आइए। एनीथिंग सीरियस डॉक्टर? यस, ये रहा डॉक्टर गुप्ता का पता। आप उन्हें इमीडिएटली कांटेक्ट कर सकते हैं, वो शहर के बेस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं। साइकोएनालिस्ट? हाँ। देखिए मिस्टर सेन गुप्ता, किडनैप होने का मेंटल स्ट्रेस तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज है Your daughter has been raped repeatedly. सर, मैंने बैंक से पता किया है, ये मिस्टर बीके पटेल का एड्रेस है। ए भाई पैसा देना, मैं चाय पीना। ए भाई पैसा देना चाय पिएगा, पैसा दे। यस, देखिए मैं, क्या आप मिसेस पटेल हैं? व्हाट डू यू वांट? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? एक्सक्यूज मी, मैं लेकिन आपको पहचान नहीं पा रही हूँ। आप ये तो पहचानती होंगी। और उसके बाद आपने पैसे और क्रेडिट कार्ड चोरी कर ली। देखिए ये सब हो रहा है, और मैंने ना चाहते हुए भी पैसे के लिए
सारे गलत काम करना शुरू कर दिए। पता है तुम्हारे पास वो क्या है? ये तो बस एक पेंडेंट है जो आपके पति का है, वो मैं आपको वापस देना चाहता हूं। नो, उसे आप अपने पास ही रखिए, ये कोई मामूली पेंडेंट नहीं है, ये एस्कॉर्ट मिस्टिकल पावर है। मतलब? इतने पैसे नहीं थे हमारे पास, बहुत मामूली थे हम, शादी के कुछ साल बीत ही गए, हमारे 6 महीने के बच्चे की मौत हो गई, पैसे नहीं थे हमारे पास उसे बचाने के लिए। हम दोबारा बच्चे के लिए कोशिश करेंगे और बहुत अच्छी तरह से पालेंगे उसे। कैसे कैसे हम उसको एक अच्छी परवरिश देंगे? तुम्हें जो सैलरी मिलती है उससे तो मुश्किल से हमारा गुजारा होता है। कुछ और करूंगा, पैसे कमाऊंगा मैं। कुछ नहीं कर सकते तुम, बच्चे की प्लानिंग करने से पहले तुम्हें यह सोचना चाहिए था। मैं ही पागल थी, इसीलिए पापा मम्मी से झगड़ा करके तुमसे शादी कर ली। प्लीज मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दो। ₹5 का मूंगफली दीजिए ना। कुछ नहीं खाया मैंने, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, इसे संभाल के रखो, भगवान तुम्हें खुश रखेगा। लेकिन गलत रास्ते पे गए तो तुम्हारे अंदर का शैतान जाग जाएगा। आप किस बारे में बात कर रहे हैं बाबा, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। तुम चाहो तो भगवान तुम्हें मिल सकते हैं। मुझे पैसे चाहिए, बहुत पैसे। जिंदगी
प्रभु को पाने के लिए, पैसे के लिए नहीं। आपको क्या मिला है? भीख नहीं मिलता है तो आप भूखे तरसते हैं। कहाँ है आपका भगवान? मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहता बाबा। शायद चार दिन जीऊंगा लेकिन शान से जीऊंगा। पैसा ही सब कुछ है दुनिया में, आप नहीं समझेंगे। ये क्या है बाबा? इसे जो भी पहनेगा उसके मन की सारी इच्छा पूरी होगी। ये पहनने से मैं चाहूं तो मैं बहुत धनी हो जाऊंगा बाबा। हाँ जरूर। अगर सुख और शांति चाहिए तो वो भी मिलेगा, लेकिन दावा नहीं दे सकता कि पैसा भी आएगा। और अगर धनी बनते हो तो भी दावा नहीं कर सकता कि सुख शांति मिलेगी कि नहीं। आप मुझे अभी दे दीजिए बाबा। और एक बात सुनो, ये पहन के तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन तुम्हारा जीवन 2 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। मुझे मंजूर है। सुनिए, मैं कहती हूँ ये सब ठीक नहीं है, चलिए यहाँ से। मुझे आप ये दे दीजिए। ये लो। उस दिन के बाद से बस जो भी चीज हम छूते थे सोना हो जाता था। इतने पैसे आते थे समझ ही नहीं आता था कि कहाँ खर्च करें। पर हमारा कोई बच्चा नहीं हो पाया, वो बस पैसों के पीछे दौड़ रहा था। ठीक 2 साल के बाद उनकी मौत हो गई। किसी प्रोजेक्ट को लेकर समंदर की तरफ गए थे सर्वे के लिए। खबर फैली कि अचानक जहाज से गिर गए। उसी दिन शाम को सी बीच पर उसकी डेड बॉडी मिल गई। आपके पति की मौत कब हुई थी? 25 सितंबर। नेक्स्ट वीक उसकी 3rd डेथ एनिवर्सरी है और एक्सीडेंटली उसी दिन मेरी शादी की डेट पक्की हुई है। मैं पूरी जिंदगी अकेले नहीं काट सकती। मतलब और 7 दिन बाद। मतलब मेरी जिंदगी के बस 7 दिन बाकी हैं। Oh,
रसिया हर रूप में है तू ही समाया, क्या मैं खोया क्या पाया, हर रूप में है तू ही समाया, क्या मैं खोया क्या पाया। ओ आए रे आए, आए रे आए, चली मैं तेरे ही द्वार। बहुत दिन हो गए, तुमने बुलाया नहीं तो मैंने सुनो, मैं तुम्हें फोन करूंगी, तुम नहीं। आई एम सॉरी, मैं कुछ डिस्टर्ब हूं, कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें फोन करूंगी। ओके, आई होप एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। बाय बाय।
आई एम सॉरी प्रेम। डू यू लव मी? प्यार क्या होता है मुझे पता ही नहीं। मैं नहीं जानता कि जिंदगी क्या होती है, बस मौत जानता हूं। मुझे यह भी नहीं पता कि मैं कौन हूं। कौन हूं मैं? डॉक्टर गुप्ता, आई एम विभा। मेरी बेटी अभी भी डिप्रेशन में है। अपने कमरे से बाहर वो निकलती ही नहीं। और कितने दिन डॉक्टर?
तेरे पग की आहट आए, तेरे पग की आहट आए, हसत हो गए हृदय। इट्स अ ग्रेट न्यूज सर, हमारी कंपनी आखिरकार न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुआ है। यू आर वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द कंट्री सर, वी आर इन द टॉप 20, वी आर ऑल्सो एक्साइटेड सर। झूठी सारी मोह की माया, झूठी सारी मोह की माया, झूठी सारी मोह की माया, जीवन सफल हो जाएगा, उसके बाद क्या करोगे? मूर्छित हो गए दावेदारी, मूर्छित हो गए दावेदारी, मूर्छित हो गए। मार मार उसको, मार जोर से मार। अरे तुझसे कुछ नहीं होगा, रुक जा। अरे जोर से मारना, रुको मैं कर रहा हूँ। ये भैया अभी पत्थर फेंकोगे? हट ना।
मैं शायद जिंदा नहीं रहूंगा, किसी दिन तुम्हें देखने के लिए चांद, लेकिन मैं बहुत खुश हूं इस पल में, क्योंकि इस समय मैं तुम्हारा चेहरा देख पा रहा हूं। अलविदा चांद, मेरा यह आखिरी पल कितना खूबसूरत है।